सो so, आज के इस वीडियो में हम हीट एंड वेव इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बताऊंगी जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो स्टार्ट करते हैं एक स्मॉल आइडिया हीट और वेव इक्वेशंस होती क्या है वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हीट हीट इक्वेशंस और वेव इक्वेशंस कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इक्वेशंस जो है हीट एंड वेव हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको वेव्स इन इक्वेशंस के बारे में ही नहीं पता कि हीट और वेव इक्वेशंस की फॉर्म क्या होती है तो आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे क्योंकि उनका जो सोल्यूशन है वो आपको पता होता है हीट इक्वेशन का क्या सोल्यूशन है उसको हम अगर हमें वो पता है तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसलिए फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ हीट एंड वेव की बात नहीं हो रही आ, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी होती है अगर हम ये फाइंड कर लें कि वो इक्वेशन का टाइप क्या है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है फिफ्टी परसेंट काम वहीं पर हो जाता है तो मैं आप लोगों को पहले इन दोनों इक्वेशंस के बारे में बता देती हूँ अगर हम बात करें हीट इक्वेशन की हीट इक्वेशन इसको हम डिफ्यूजन इक्वेशन भी बोलते हैं एक्चुअली देखो हीट इक्वेशन और डिफ़्यूजन इक्वेशन में है क्या कि हीट इक्वेशन एक एप्लीकेशन है इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन इक्वेशन डिफ्यूजन इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है हीट इक्वेशन और अगर मैं दोनों के मतलब डिफरेंस की बात करूं तो फिजिकली और फिजिकली एंड मैथमेटिकली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इसलिए हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये हीट इक्वेशन बोल लो या फिर डिफ्यूजन इक्वेशन बोल लो ठीक है बट ये डिफ्यूजन इक्वेशन की एक एप्लीकेशन होती है हमारे पास हीट इक्वेशन तो इसका फॉर्म क्या होता है अगर आप वन डायमेंशनल की बात कर रहे हो मतलब हीट इक्वेशन वन डायमेंशन की तो जो आपका यू फंक्शन है उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसकी फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी ए स्क्वायर कर ली यूबर कर ली एक्स स्क्वे ठीक है अगर आप टू डायमेंशनल की बात कर रहे हो तो ये हो जाएगा सेम डिफ्रेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में ए स्क्वायर रहेगा अब क्योंकि डायमेंशन टू है तो एक्स के साथ साथ यहाँ पर वाई भी आ जाएगा नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थ्री डायमेंशन देन सेम यहाँ पर जेड और आ जाएगा तो कर ली यू बाय कर ली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर ठीक है तो ये तो हमारी हो गई हीट इक्वेशन वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन की अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी कर ली यू बाई कर ली टी इज इक्वल्स टू कर ली इसका टू टाइम डिफ्रेंशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो ये क्या है एक हीट इक्वेशन है वन डायमेंशन की अब आप सोच रहे हो कि ए स्क्वायर क्यों नहीं आया अभी ए जो है वो कांस्टेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा कंपेयर करके ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर वन इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं फोर लिख दूँ तो ए की वैल्यू हो जाएगी टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें के दे रखा है एंड दिस के फंक्शन इज़ फ्रॉम डोमेन है इसका आर क्रॉस ज़ीरो टू इन्फिनिटी एंड इसका को डोमेन है आर ठीक है तो ये एक फंक्शन है सच दैट जो सोल्यूशन है सच दैट सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करली यू बाय करली टी इज इक्वल्स टू करली यू स्क्वेयर एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन हमें गिवन है कि इस पर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स है वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर टी की वैल्यू दिस इज़ ग्रेटर देन जीरो दिस इज़ गिवन बाय यू एक्स टी फंक्शन की वैल्यू इस पे है के एक्स माइनस वाई टी एफ वाई डी वाई फॉर ऑल बाउंडेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है देन वैल्यू ऑफ दिस, अब देखिए आप क्वेश्चन इससे पहले मैं रीड करूं आप ये जो आपको गिवन है ना इसमें और जो आपको फाइंड करना है इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो हमें इस ये जो के फ़ंक्शन है इसके इंटीग्रल की वैल्यू फ़ाइंड करनी है मतलब इतने इस पोर्शन की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें हम थोड़ा सा और अगर इसमें नोटिस करें तो यहाँ पर जो x माइनस वाई दे रखा है उसकी जगह पर इसने x पर वैल्यू पूछी है मतलब कुछ नहीं करना होगा वैल्यू फाइंड करने के बाद x माइनस वाई को हम रिप्लेस कर देंगे x से ठीक है और इसकी वैल्यू निकालनी है अब अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट uh, करें इसने बोला है कि के कोई फंक्शन है जिसका कोडोमेन और डोमेन आप लोगों को बताया हुआ है एंड अभी हमने हीट और वेव इक्वेशन देखी है तो क्योंकि ये एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है दैट मीन्स ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास हीट इक्वेशन है ठीक है तो यहाँ से अब आपको ये हेल्प करेगा दिस इज़ हीट इक्वेशन और कुछ कंडीशन दी हुई है देखो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको रिजल्ट बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दैट डोमेन डोमेन शुड बी इनफाइनाइट शुड बी इनफाइनइट देखो अगर मान लेते हैं कि डोमेन इनफाइनाइट नहीं है तो जो अभी हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है फिर वही आंसर दे ठीक है तो डोमेन के इनफाइनाइट होने पर ये सॉल्यूशन जो अभी मैं, मैं आपको बताने वाली हूँ वो होगा तो पहली कंडीशन आपको चेक करनी है कि डोमेन जो है इनफाइनाइट होना चाहिए तो के जो फंक्शन आपको दे रखा है कि यहाँ पर इज आर क्रॉस ज़ीरो टू इन्फिनीटी तो, तो यहाँ से ये यह हमें पता चल रहा है कि वो इनफाइनाइट है ठीक है या फिर ये जो है डोमेन इसका इनफाइनाइट है अगर आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अभी हमने डिस्कस किया कि हीट इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है वो कुछ इस टाइप से होती है तो इसके अकॉर्डिंगली अभी जो क्वेश्चन में हमें हीट इक्वेशन दी हुई है वो ये है तो आप क्या करोगे कंपेयर करके वैल्यू निकाल लोगे तो कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू यहाँ पर वन आ रही है तो इसका सोल्यूशन होगा यू एक्स टी दिस इज इक्वल्स टू वन बाय होल अंडर रूट फोर पाई फोर पाई सी टी एंड इंटरगल विल भी फ्रॉम माइनस इंफिटी टू इन्फिनीटी ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर एंड दिस विल बी फोर सी टी एफ वाई टी वाई ओके तो ये एक्सपोनशियल फंक्शन है ये सोल्यूशन होगा किसका हीट इक्वेशन का क्लियर और कंपैरिजन करने पे वैल्यू हमारी सी की निकली थी वन तो कुछ नहीं करना बस इसमें आपको वैल्यू को पुट करना है जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो पहले पर कंपेयर कर लो कंपेयर करने पर सोल्यूशन क्या गिवन था आपको क्वेश्चन में यू एक्स टी इज इक्वल्स टू दिस इंटरगल आर के एक्स माइनस वाई कॉमा टी एफ वाई डी वाई ये जो मैंने लिखा है ये आपको क्वेश्चन में गिवन था तो इस उसने कहा था ये एक सोल्यूशन है आपके पास है ना तो आप देख रहे हो कि फॉर्म तो एकदम सेम है क्योंकि सोल्यूशन की फॉर्म इस टाइप से ही होगी तो आप कंपेयर करके के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है के ये जो के फंक्शन है उसकी वैल्यू एक्स टी पर ठीक है तो इसको फाइंड करने के लिए आपको के का फंक्शन पहले फाइंड करना पड़ेगा फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर जो एक्स माइनस वाई दे रखा है उसकी जगह पर हम एक्स पुट कर देंगे ठीक है लेट मी रिपीट देखिए जो मैंने यहाँ पर रेड से लिखा हुआ है वो क्या है एक सोल्यूशन है हीट इक्वेशन का सोल्यूशन है जिसको आपको याद रखना है ओके ये जो ब्लू में है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये इसका सोल्यूशन होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़ ठीक है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है तो आप कंपेयर करके क्योंकि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको देगा वो सोल्यूशन तो हम क्या कर रहे हैं कि जो सोल्यूशन होना चाहिए और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको कंपेयर करके ये जो के फंक्शन है उसकी वैल्यू के फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं जब आपको के फंक्शन मिल जाएगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो एक्स माइनस वाई दे रखा है उसकी जगह पर हम के पुट कर देंगे ठीक है और आपका आंसर आ जाएगा तो ऑन कंपैरिजन आप देखो ये जो एफ वाई डी वाई है इसमें भी है और इसमें भी है तो के फंक्शन आपको क्या मिलेगा एक तो ये वाला पोर्शन मिल गया और ये एक्सपोनेंशियल वाला पोर्शन मिल गया ठीक है और जहाँ पर भी सी ये ई e नहीं है ये सी है और जहाँ पर भी सी लिखा होगा वहाँ पर वैल्यू हम वन पुट कर देंगे क्योंकि कंपैरिजन कंपैरिजन करने पर जो एक्चुअल हीट की क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसमें सी की वैल्यू हमें वन मिल रही है तो ये दोनों का काम करने के बाद जो आपको मिलेगा के फंक्शन के एक्स टी इज इक्वल्स टू वन बाय होल अंडर रूट फोर पाई टी क्योंकि सी की वैल्यू वन हो गई एंड ई विल बी माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर बाय फोर टी अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि मैंने इंटरगल साइन क्यों नहीं लगाया कि तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर ये जो है आर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही तो है कि माइनस इन्फिनिटी टू आपको इन्फिनिटी चलना है ठीक है आर इज रियल नंबर्स तो ये माइनस इन्फिटी टू इन्फिनिटी चल रहा है ठीक है तो इंटरगल तो खुद ही कंपेयर यहाँ पर हो रहा है हमें सिर्फ के फंक्शन फाइंड करना है इसलिए मैंने इंटरगल का साइन वहाँ पर नहीं लगाया हुआ है तो ये तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई अब आपको क्योंकि फाइंड करना है जो भी आपको फाइंड करना है ना उसके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं ये हमने ये हमें फाइंड करना है तो के की वैल्यू फाइंड कर ली के पर उसने कहा है कि इंटरगल लगा दीजिए तो हमने दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दिया सो इट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनीटी टू इन्फिनीटी यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी लगा देते हैं माइनस इन्फिनी टू इन्फिनीटी अब आप नेक्स्ट देखो क्या फाइंड करना है हमें जो यहाँ पर एक्स माइनस वाई है ना कंपैरिजन करने पे मिला है वहाँ पर एक्स पुट करना है तो यहाँ पर ना ये पहले एक्स माइनस वाई आप यहाँ पर लिख लेना तो एक्स माइनस वाई की जगह पर हमें एक्स ही पुट करना है ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर एक्स हो जाएगा तो मैं इसको चेंज नहीं करी पहले ही आप उसको एक्स माइनस वाई करके लिखना ये हो जाएगा के एक्स टी इज इक्वल्स टू वन बाई होल अंडर रूट फोर पाई टी एंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनीटी यहाँ पर एक्स माइनस वाई की जहाँ पर एक्स आ जाएगा तो ई टू दी पावर माइनस माइनस एक्स स्क्वेर बाई फोर टी एंड डी एक्स ओके तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बस अगर इसका आंसर आ जाता है तो आगे कुछ भी नहीं करना अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं लेट कर लेते हैं कि एक्स बाय होल अंडर रूट फोर टी अगर इसकी वैल्यू को पुट कर दें मतलब तो सब्सिट्यूट कर रहे हैं सो दैट कि थोड़ा सा इंटरगल आसान बन जाए जब आप इसको पी पुट करोगे तो उसका डिफ्रेंशिएट करोगे डी एक्स आ जाएगा दिस विल बी ये कॉन्स्टेंट है ये एज इट इज़ रहेगा होल अंडर रूट फोर टी और डी पी ये आ गया सब्सिट्यूशन करने पर तो सब्सिट्यूट करने पर आपको मिलेगा वन बाई अंडर रूट पाई बचेगा क्योंकि इसमें से वन बाई ये जो फोर और टी है इस और डी एक्स है इसकी जगह पर तो हम डी पी बुट करने वाले हैं ठीक है थीके? या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स बाय होल अंडर रूट फोर टी डी पी मतलब आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे सॉरी डिफ्रेंशिएट करोगे यही आ रहा है तो मैंने इसमें से सब्सिट्यूट कर दिया तो यहाँ पे बचेगा वन बाई अंडर रूट पाई एंड दिस विल बी माइनस इन्फिनी टू इन्फिनीटी इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करेंगे तो यही हमें मिलेगा तो ई टू दी पावर माइनस पी स्क्र डी पी ठीक है सब्सिट्यूशन करने पर ये हमें मिल गया दूसरी चीज़ नाउ वी नो दैट कि ये जो यहाँ पर आया वन बाई अंडर रूट पाई इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनी टू इन्फिनीटी ई टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर डी पी यहाँ पर आप देखो ये जो फंक्शन है वो कैसा है ईवन फंक्शन और जब ईवन फंक्शन होता है तो हम क्या कर सकते हैं जैसे आपके पास है माइनस इन्फिनिटी या माइनस ए टू ए कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस ए टू ए और एफ एक्स डी एक्स है तो अगर फंक्शन ईवन होता है तो हम क्या कर सकते हैं ट्वाइस टाइम कर सकते हैं इंट, और लिमिट विल भी फ्रॉम जीरो टू तो ए एफ एक्स डी एक्स ये होता है जब ईवन फंक्शन होता है तो वही सेम काम कर रहे हैं अदरवाइज डायरेक्टली भी इसका आंसर है मैं आपको वो रिजल्ट डिस्कस कर देती हूँ तो ये आ, इवन फंक्शन है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस टाइम ज़ीरो टू इन्फिनेटी e टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर टी पी अब जो ये आपको दिख रहा है ना ये आपका जो गोशन इंटरगल है कुछ गामा गामा फंक्शंस के कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास अगर वो आप याद रख लेते हो तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो तो अदरवाइज पूरा सॉल्व करके आप पूरा आंसर निकालना पड़ेगा तो मैं आपको कुछ रिजल्ट बता देती हूँ जैसे कि क्वेश्चन इंट्रीगल्स जैसे पहला रिजल्ट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं रूट पाई जैसे कि मैंने अभी आपको बोला भी यही थी ना फॉर्म एग्जैक्टली सेम बस हमने क्या करा था जब इवन फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं इसको ट्वाइस टाइम करके इसकी लिमिट को फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनीटी कर देते हैं ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्र डी एक्स तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर ये जो ऐसे ही रहेगा आंसर तो यही आना है क्योंकि इसकी जगह पर हमने ये कर दिया है और जब आप टू को यहाँ से हटाओगे तो ये इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा ठीक है तो ये दोनों रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो मैं अभी और रिजल्ट डिस्कस कर लेती हूँ पर पहले उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हो तो ये आ जाएगा डायरेक्टली वन बाय रूट पाई जो पहले से था और इस इंट्रीगल की वैल्यू है हमारे पास रूट पाई तो कैंसिल होकर आपके पास आंसर आ गया वन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या थी पाई बाई टू मैंने अभी आपको बताया और यहाँ पर भी क्या है टू इन टू में रूट पाई तो ये इससे ये इससे कैंसिल तो भी आंसर वन आ गया दोनों ही केस में आंसर वन आ गया क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम चीजें हैं क्लियर तो आंसर इसकी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी एक हाँ ओके तो इसकी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी एक्स टी दिस इज इक्वल्स टू वन ये सॉल्व हो गया अब तो से चलते हैं मैं आपको कुछ रिजल्ट याद करा देती हूँ जैसे पहला रिजल्ट यही हो गया दूसरा रिज़ल्ट क्या है अगर इसी में एक्स और मल्टीप्लाई कर दें मतलब कि ज़ीरो टू इन्फिनीटी एक एक्स और मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा हाफ ओके देन अगर एक एक्स और मल्टीप्लाई कर दिया मतलब जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका आंसर आ जाएगा रूट पाइव बाई फोर अगर एक एक्स एक और मल्टीप्लाई कर दिया मतलब कि एक्स क्यूब कर दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा वन बाई टू एक एक्स एक अगर और मल्टीप्लाई कर दिया एक्स टू दावर फोर इसका आंसर आ जाएगा थ्री बाई एट यहाँ पर आ जाएगा रूट पाई एक एक्स अगर और मल्टीप्लाई कर दिया एक्स टू दावर फाइव ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो आंसर विल बी वन ठीक है तो ये आप देखो ये जो फॉर्म है ना ये सब में सेम चल रहा है लिमिट सेम चल रही है बस हम मैं एक एक्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो आंसर में चेंजमेंट आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ तो ये दोनों तो सेम हो गए आंसर कितना है पाई बाई टू अगर एक एक्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया वन बाई टू आपने एक्स स्क्वायर कर दिया रूट पाई बाय फोर एक और एक्स मल्टीप्लाई कर दिया वन बाई टू तो आप देखो थोड़ा इस रिजल्ट को आपको याद करना पड़ेगा अदरवाइज सॉल्व करते हो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है हाफ जो है जब आप एक्स मन एक्स रहेगा और जब एक्स क्यूब रहेगा जो ऑड पावर्स हैं एक्स टू दावर वन और एक्स टू द पावर थ्री दोनों में सेम ही आंसर है दैट इज हाफ ओके एक्स टू दावर फाइव में वन आंसर है ये जो रूट पाई बाई टू है यहाँ पर Uh, जब x की वैल्यू जीरो है मतलब ईवन है तो डिवाइड बाई टू हो रखा है मेरे पास एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है कि मैं आपको बता दूं तो ये आंसर आ जाएगा तो आप एबस को गो थ्रू होंगे या फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आपको जो है आइडिया लग जाएगा मेन जो है अगर आपको नहीं याद करना है सारा तो आप प्लीज़ ये तो जरूर याद कर लीजिए कि इफ द लिमिट इज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनेटी ए टू दर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट पा बाई टू ये दोनों सेम एग्जैक्टली सेम फॉर्म है अगर इसमें या फिर इसमें आए तो आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए तो हमारा आंसर आ गया वन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेट यू एक्सटी बी द सोल्यूशन बी द सोल्यूशन ऑफ करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वेर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में ट्वाइस टाइम दिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड कंडीशंस दी हुई हैं जीरो इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड करली यू बाई करली टी एक्स जीरो इज इक्वल्स टू जीरो टी वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड टी इज ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर ये जो एफ फंक्शन है इसके बारे में हमें पता है दैट दिस इज़ ट्वाइस कॉन्टीन्यूसली डिफ्रेंशबल फंक्शन सो इफ एफ माइनस टू पर फोर वैल्यू देता है एंड ज़ीरो पर जीरो वैल्यू देता है एंड टू टू पर एट वैल्यू देता है देन क्वेश्चन इज सेम हमें फाइंड करनी है u की वैल्यू वन थ्री पर ठीक है देखिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ अभी हमने हीट इक्वेशन की बात की थी ठीक है एंड अभी जो क्वेश्चन मैंने जस्ट बताया है आपको अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन जो है वो किसकी इक्वेशन है वेव की इक्वेशन है ये है वेव इक्वेशन क्यों क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें वन टाइम डिफरेंशिएट होता था वो हीट इक्वेशन थी ठीक है तो वेव और हीट इक्वेशन दोनों के केसेस में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है अभी हमने देखा अगर हीट इक्वेशन हो तो सिंपल सा हीट इक्वेशन का जो आपको सोल्यूशन याद रखना है हीट इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है यू एक्स टी इज इक्वल्स टू वन होल अंडर रूट फोर पाई सी टी इंट्रीगल विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनीटी या तो ऐसे याद रख लो या फिर आप सिंपल आर याद रख लो फंक्शन रहेगा ए टू दी पावर माइनस एक्स माइनस होल स्क्वायर एंड फोर सी टी एफ वाई डी वाई ठीक है एफ वाई डी वाई यहाँ पर कोई फंक्शन आपको वाई की फॉर्म में नजर आएगा ये होता है सोल्यूशन अगर इक्वेशन कैसी हो हीट इक्वेशन हो बाकी तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको सी की वैल्यू वहाँ से क्या पता लगी कंपैरिजन करना है मतलब क्वेश्चन फिर जिसके अकॉर्डिंगली होगा वैसे आगे हम आगे सॉल्व करेंगे बट सॉल्यूशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है फॉर हीट इक्वेशन अगर बात आती है वेव इक्वेशन की तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आप याद रखिए यू एक्स टी इज इक्वल्स टू हाफ एंड यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी ठीक है यहाँ पे होल ब्रैकेट प्लस वन बाई टू सी एंड इंटीग्रल विल बी जी एस डी एस लिमिट हो जाएगी एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी ये जो आपने यहाँ पर लिखा है ना ये इस तरीके से याद रख लीजिए ये सॉल्यूशन कब होगा ये सोल्यूशन होगा आपके जब इक्वेशन कैसी हो वेव इक्वेशन ओके okay? अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं कि फंक्शन यहाँ पर फंक्शन एफ़ क्या है फंक्शन जी क्या है सी की वैल्यू क्या है तो ये सब चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ ठीक है तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि हीट और वेव के टाइम पर क्या सोल्यूशन आपको लेकर चलना है सी देखिए यहाँ पर क्या होता है जो कोफ़िशेंट है सी विल बी द कोइफिशंट ऑफ कोफिशेंट ऑफ करली यू स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर इसका जो कोफिशेंट होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सी अब एक बार देखते हैं कि इसमें आ, क्या है कोईफिशेंट तो मैंने अभी आपको बताया ये जो होगा ना इसका कोफिशेंट होता है जो भी इसका कोफिशंट होगा वो वैल्यू हो जाएगी सी की अब आपको देखने में लग रहा होगा कि माइनस वन है वैल्यू बट वेव इक्वेशन मैंने आपको बताई इसको आप कैसे लिख सकते हो इसको उधर शिफ्ट कर लो सो दिस विल बी नेगेटिव है तो पॉजिटिव का हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर और ये वन डायमेंशनल की हमारी वेव इक्वेशन थी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी और डिफरेंस बताया था कि जब ये दो बार डिफरेंशिएट होता है तो यहाँ से आपको पता चलती है ये होता है आपका सी इफ़ यू रिमेंबर ठीक है तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है सी की वन वैल्यू आ रही है इसलिए ये नहीं कि राइट है, लेफ्ट हैंड साइड पर वो माइनस वन लग रहा है आपको तो सी की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी तो ये आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म से हमेशा कंपेरिजन किया जाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म ये है तो सी की वैल्यू क्या होगी वन तो यहाँ पर जो सी यूज होता है वो क्या होता है कोफिशियंट होता है ठीक है जैसे कि टू डायमेंशनल में होता तो यहाँ पर जो वाई के लिए होता उसके आगे जो कॉन्स्टेंट लगा होता है वही हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है दैट इज़ डिफरेंट थिंग वो हम बाद में डिस्कस करेंगे तो C की वैल्यू पता लग गई आप लोगों को उसके बाद आता है F और G क्या होता है तो देखिए F और G हम अपनी कंडीशन से पता करते हैं जैसे कि आपको जो कंडीशंस दी होंगी यहाँ पे आपको दो कंडीशन क्लियरली दिख रही हैं एक तो जहाँ पर अंडरस्टूड uh, है कि फंक्शन एफ़ है दूसरी कंडीशन ये आपको दिख रही है तो फंक्शन जो जी होता है वो आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट किया होता है जो टी के रिस्पेक्ट में वो हमारे जी एक्स की वैल्यू होती है मतलब जी एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है ज़ीरो ठीक है अगर आपको सिंपल ये यू की फॉर्म में दिया हुआ है तो जो फंक्शन है पे अगर लाइक वन दिया है टू दिया है वो आपका एफेक्स कहलाता है और जो आपको टी के डिफरेंशिएट में मतलब जो आपको टी के डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट किया होगा यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपकी जी जी फंक्शन की कहलाएगी ठीक है तो ये क्लियर हो गया कि एफ की वैल्यू जी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या है जब आपको सबकी वैल्यूज पता लग गई हैं तो आप क्या कर सकते हो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन तो हमें क्वेश्चन से देखकर पता लग गया था वैल्यू पुट करने पर यहां पर आपको मिलेगा हाफ और फंक्शन में आ जाएगा एक्स प्लस सी की वैल्यू वन थी तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टी एंड दिस विल बी एफ एक्स माइनस टी एंड जब आप जी जी की वैल्यू मैंने आपको कंपेयर करके बताई क्या आ रही थी जी जी की वैल्यू ज़ीरो ठीक है तो ये जो पोर्शन है जैसे ये ज़ीरो होगा ये पूरा पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा तो सिंपल हमारे पास ये इतना आ जाएगा ठीक है उसके बाद आगे हम वैल्यू पता कर सकते हैं एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए वो ये कहता है कि जो ये यू एक्स टी है वो सॉल्यूशन है किसका इस इक्वेशन का ये इक्वेशन क्या है वेव इक्वेशन है तो यू एक्स टी जो होगा वो क्या होगा इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा देन हमें दो कंडीशंस दी हुई हैं कि जो आपका सोल्यूशन होगा ना इसको देखो और एक बार इसको ध्यान से देखो क्या डिफरेंस है ये कह रहा है कि जब आप टी की जगह पे ज़ीरो पुट कर देते हो तो आपको एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी दूसरा जो कंडीशन दिया है वो ये, वो ये कह रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन होगा ना उसका आपको उसको आप टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो एंड देन आप टी की वैल्यू अगर जीरो पुट करते हो तो आपको आंसर जीरो मिलेगा जो जिसको हम जी फंक्शन मान रहे हैं एक्स आप कार से बिलोंग करता है टी इज़ ग्रेटर देन जीरो तो ये जो कंडीशन आपको दे रखी हैं ये पता क्यों होते हैं ये आपको हेल्प करती हैं अभी आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट की फंक्शन uh, की वैल्यू एफ जो फंक्शन है वो माइनस टू पर आपको फोर वैल्यू देगा जीरो पे आपको जीरो वैल्यू देगा ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो क्लियरली पता चल रही हैं कि एफ के लिए गिवन है ठीक है कि माइनस टू पे और जीरो पे एफ फंक्शन क्या वैल्यू देता है अब इसको देखो ये है यू फंक्शन की टू एंड टू पे वैल्यू मतलब जब आप एक्स की जगह पर टू पुट करते हो टी की जगह पर टू पुट करते हो तो ये आपको एट देगा मतलब ये जो आपकी वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है उसके लिए दिया हुआ है कि अगर जब एक्स की वैल्यू टू हो जाए और टी की वैल्यू जब टू हो जाए तो आंसर आपको एट मिलेगा तो आप ये बताइए कि जब x की वैल्यू आप 1 रखते हो t की वैल्यू 3 रखते हो तो क्या आंसर होगा बहुत ऑब्वियस है क्योंकि आपको वैल्यूज दी हुई हैं तो सॉल्यूशन में इनकी जरूरत आपको पड़ेगी तो देखो यहाँ तक काम ये जो काम है वो तो आपका बड़ा आसानी से हो गया क्योंकि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि यह वेव इक्वेशन है और वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है ये जो हम मैं सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ ना हीट और वीवी इक्वेशन के फॉर्म में ये बताता है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको इस फॉर्म में मिलेगा ठीक है तो यहाँ तक का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया उसके बाद ये जो दोनों कंडीशन है वो हमें ये हेल्प कर रही हैं कि आपका एफ और जी फंक्शन क्या होगा उसके बाद जो ये कंडीशन है वो आपको ये हेल्प कर रही हैं कि फंक्शन में अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो तो ये आंसर मिलेगा ओके तो हम क्या कर रहे हैं अब एक एक कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि अगर आपको ये पता है टू और टू पर एट आंसर आता है तो आगे हम क्या कर सकते हैं ये हमारा ये पोर्शन तो ज़ीरो हो गया ये पोर्शन तो आपका ज़ीरो हो गया तो हमारा जो सोल्यूशन था वो इसमें रिड्यूस हो गया अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टू और टू पर ये एट देता है तो इसका इस्तेमाल करके हम आगे फंक्शन एफ फाइंड कर सकते हैं तो देखिए जब हम इसे पुट करेंगे यू टू एंड टू पर तो जहाँ जहाँ x है वहाँ टू पुट कर दीजिए जहाँ पर t है वहाँ पर हम टू पुट कर देंगे सो दिस इज़ इक्वल्स टू हाफ एफ़ टू प्लस टू प्लस टू माइनस टू दिस इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर है एट के बराबर है थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये फोर आ जाएगा और ये हो जाएगा ज़ीरो दिस इज़ इक्वल्स टू एट आगे हमें गिवन है क्वेश्चन में ही गिवन है कि एफ़ जीरो पर जीरो वैल्यू देता है तो ये तो हो गया आपका जीरो और बचा आपके पास क्या हाफ एफ ऑफ फोर दिस इज इक्वल्स टू एट तो यहाँ से किसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो एफ ऑफ फोर की तो वो आ गई आपके पास सिक्सटीन ठीक है तो ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन था माइनस टू के लिए मतलब तो अभी हमने जो सॉल्व किया वहाँ से हमें वैल्यू पता लगी है कि ये आपका फोर पर देगा सिक्सटीन ठीक है हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है वन थ्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं वन थ्री की ये तो मैंने वैल्यू फाइंड कर ली इसकी ज़रूरत भी आपको पड़ेगी अगर आपको ये सॉल्व करके मिल रहा है तो ऑब्वियसली आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ आगे सॉल्व करते हैं वन थ्री के लिए हमें चाहिए वन एंड वन थ्री की वैल्यू इसके लिए आपको की के जो हाँ पर वन और की के जो हाँ पे थ्री पुट करना होगा सो so, u वन थ्री इज इक्वल्स टू हाफ वन प्लस थ्री दैट इज़ फोर आ गया ना यहाँ पर तो आप फोर की वैल्यू यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेंगे देन दिस इज़ वन माइनस थ्री दिस इज़ माइनस टू जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है तो हाफ ये सिक्सटीन हो गया माइनस टू पर आपको वैल्यू गिवन थी फोर तो फोर हो गया यहाँ से आप सॉल्व करोगे ट्वेंटी बाई टू दैट इज़ टेन ठीक है तो आंसर कितना आ गया टेन ये हो गया आपका टेन आपने देखा कि एफ ऑफ माइनस टू की हमें ज़रूरत पड़ी और ये निकालने के लिए हमें इसकी भी जरूरत पड़ी इसके इसको निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी तो ये सारी वैल्यूज जो है आपस में आपको हेल्प करेंगी फाइनल आंसर निकालने के लिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आगे वीडियोस में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले मैं आप लोगों को कुछ रिजल्ट्स बताऊंगी और फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थैंक यू